चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड परियोजना के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। इटली जैसे बड़े देश उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो अब चीन ने पुरानी चालबाजी शुरू कर दी है। विस्तारवादी चीन ने पहले पाकिस्तान को BRI के पार्ट CPEC का साझेदार बनाकर कंगाल किया और अब तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान बनेगा चीन का गुलाम। पाकिस्तान को खस्ताहाल करने के बाद चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला किया है। आजकल चीन की सरकार तालिबान को लुभाने में जुट गई है। पहले उसने तालिबान को राजनयिक दर्जा दिया और अब पाकिस्तान की साझेदारी वाले CPEC में तालिबान पर मेहरबानी दिखाकर वही पुरानी चाल चली है, यानी पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के बहाने दोस्ती करो और फिर कर्ज लाद कर उस देश पर कब्जा कर लो। विस्तारवादी चीन की इस चालाकी को दुनिया जानती भी है। चीन अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व वाले इलाके में निवेश करना चाहता है। इसके लिए तालिबानी मंत्रियों की चीनी कंपनियों से बात भी हो चुकी है। अपने जाल में तालिबान को फंसाने के लिए चीन ने BRI के लिए आयोजित फोरम में भी बुलाया था। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन की नजर सिर्फ अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर है, यानी प्रोजेक्ट के बहाने चीन को अफगानिस्तान में एंट्री का मौका मिल रहा है। CPEC अफगानिस्तान के थ्रू जाए ताकि अफगानिस्तान से ट्रेड में आसानी होगी। तो अगर चीन अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करना चाहता है, अफगानिस्तान चीन के दायरे में आ जाएगा और भारत के लिए सिक्योरिटी जो पैरामीटर है, एक सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस है, भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये आपको बता दें कि चीन का CPEC प्रोजेक्ट $65 अरब का है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के जिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। CPEC चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का प्रमुख प्रोजेक्ट है। भारत लगातार चीन के CPEC प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। फिलहाल चीन के अफगानिस्तान से इस नजदीकी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन और तालिबान के बीच ये दोस्ती दोनों देशों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। कैसे वो समझिए। एक तरफ तालिबान पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन का मकसद अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करने का है। साथ ही चीन अफगानिस्तान में निवेश कर वहां के खनिज लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, उस पर है। वो अपने महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया देशों तक ले जाना चाहता है। चीन अफगानिस्तान में अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाना चाहता है और CPEC में शामिल होने के बाद में अगर उसको CPEC से कोई कुछ का फायदा चाहिए तो वो जाहिर सी बात है इसलिए कि वो अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनको निकाल करके वहाँ से चीन में ले जाया जाए और उसके लिए CPEC इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ा सा इफेक्टिव प्रभावशाली जरिया हो सकता है। ये अफगानिस्तान में चीन के आने के बाद दुनिया पर आतंकवाद का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट में अफगान तालिबान मालामाल होगा और आतंकियों के इन साथियों के मजबूत होने से दूसरे देशों पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.